हाय फ्रेंड्स, सरलास किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ये रेसिपी ऐसी बनाएंगे कि जैसे छोटे बच्चे हो, बड़े हो या बुजुर्ग हो, सबको बहुत ही पसंद आएगी। और ये रेसिपी फ्रेंड्स, ये पीने से आपको पूरा दिन एकदम एनर्जी मिल जाएगी। आज हम बनाएंगे एनर्जी मिल्क, यानी खजूर ड्राई फ्रूट्स दूध। ये बनाना बहुत ही आसान है। खजूर में से बहुत सारी मात्रा में हमें आयरन मिलता है और दूध में से बहुत सारी मात्रा में कैल्शियम मिलता है। ड्राई फ्रूट्स में से हमें मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन सब मिलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत ही अच्छी हेल्दी रेसिपी आज हम बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये साकर लिया है। ये पीठी साकर बोलते हैं, खड़ी साकर बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो, ये साकर लिया है। इसका हमें पाउडर बना लेना है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। ये तीनों का हमें पाउडर बना लेना है। आप यहाँ चाहो तो वॉलनट भी ले सकते हो। अभी क्या करते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर और ये साकर का पाउडर दोनों बना लेते हैं। तो अभी पहले साकर का पाउडर बना लेते हैं। मिक्सर में आराम से ये पाउडर बन जाता है। ये पाउडर बन गया है, इसको शिफ्ट कर लेते हैं बाउल में। अभी ड्राई फ्रूट पाउडर बना लेते हैं। ड्राई फ्रूट पाउडर बनकर रेडी हो गया। अभी इसको शिफ्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ये 10 से 12 जितनी खजूर ली है। ये मैंने काली वाली एकदम सॉफ्ट खजूर आती है ना, वो ली है। और ये खजूर हमें धो लेना है। क्यों? कि खजूर के ऊपर कोई भी डस्ट हो या कलर हो या फिर कुछ भी कचरा हो तो निकल जाए। और ये एकदम सॉफ्ट खजूर है तो आराम से इसके ऊपर डस्ट चिपक जाता है फ्रेंड्स। तो आराम से इसको थोड़े से पानी में धो लेते हैं और पानी निकाल देते हैं साइड पे। धो लेने के बाद ये खजूर के अंदर जो भी बीज है वो बीज हमें निकाल देना है। ये बीज निकाल देते हैं और आराम से निकल जाता है फ्रेंड्स। एकदम सॉफ्ट खजूर है। और अभी ये खजूर की भी हम पेस्ट बना लेते हैं मिक्सर जार में। वैसे तो ये खजूर एकदम सॉफ्ट है और हमने पानी से धोया है तो और भी सॉफ्ट हो गया है। इसके लिए मिक्सर जार में आराम से इसकी पेस्ट बन जाती है। इसकी पेस्ट बना लेते हैं, फिर देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिक्सर जार में पेस्ट बना ली है। अभी इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ये पेस्ट हमारी बन गई है, एकदम स्मूथ, आयरन से भरपूर हमारी ये खजूर की पेस्ट बन गई है। इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्राई फ्रूट पाउडर हमारा रेडी है, साकर पाउडर रेडी है, इलायची पाउडर रेडी है और खजूर की पेस्ट रेडी है। तो अभी आगे की प्रोसेस करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आधा लीटर फुल फैट दूध लिया है। ये दूध को हमें गर्म कर लेना है। एक उबाल आता है तब तक पहले हमें गर्म कर लेना है, फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा दूध गर्म होने लगा है और एक उबाल आने लगा है। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स पाउडर जो भी बनाया था वो ड्राई फ्रूट पाउडर इसके अंदर हम डाल देते हैं। और फिर मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उबाल आ गया है और मिक्स कर लेते हैं। और ये मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमने शक्कर का पाउडर बनाया है वो इसके अंदर हम डाल देते हैं। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून जितना ऐड कर रही हूँ, सब यूज़ नहीं कर रही हूँ। आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स खजूर में भी नेचुरल मिठास बहुत है, इसके लिए यहाँ पे मैं कम यूज़ कर रही हूँ। अभी इसको भी मिक्स कर लेते हैं और एक उबाल आने देते हैं। एक उबाल आ जाए बाद में इसके अंदर हम जो खजूर की पेस्ट बनाई है वो पेस्ट पूरी की पूरी इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। इसमें नेचुरल मिठास बहुत होती है फ्रेंड्स। चम्मच से थोड़ा चला लेते हैं
और थोड़ा सा ये पेस्ट है तो इसको थोड़ा सा मिक्स होने में टाइम लगेगा, इसके लिए चम्मच से थोड़ा सा प्रेस करके हिलाना है फ्रेंड्स। धीरे धीरे फ्रेंड्स ये दूध के अंदर ये खजूर की मिठास एकदम मिक्स हो जाएगी और दूध का कलर एकदम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अभी भी थोड़ी पेस्ट रह गई है, ऐसे हिलाते रहना है और बर्तन हमेशा थिक बॉटम वाला ही लेना है फ्रेंड्स, पतली बॉटम वाला नहीं लेना है, नहीं तो दूध नीचे जलेगा। धीरे 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 ऐसे हिलाते रहना है। अभी इसके अंदर हम इलायची पाउडर ऐड कर लेते हैं, हाफ टी स्पून जितना। आपको इलायची का पाउडर इसमें फ्लेवर पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हो। और फिर मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कलर भी चेंज हो गया है ना, एकदम वाइट दूध से थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर आ गया है देखिए फ्रेंड्स, और खजूर की पेस्ट एकदम मिक्स हो गई है और ये हमारा दूध बनकर रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स एकदम बासुंदी जैसे लग रहा है ना। अभी गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, देखिए एकदम गाढ़ा सा हमारा ये खजूर ड्राई फ्रूट दूध बनकर रेडी हो गया है। ये दूध गरम गरम ही सर्व किया जाता है फ्रेंड्स, तो हम गरम दूध ये सर्व कर लेते हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और ये हमने थोड़ा दरदरा पीसा था ना, इसके लिए बहुत अच्छा लगता है, पीते हैं तो मुंह में आता है तो अच्छा लगता है। ऊपर से खजूर से गार्निश कर लेते हैं, खजूर लगा देते हैं दोनों साइड, और मैंने ऊपर से बादाम रख ली है और बादाम से गार्निश कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स खजूर ड्राई फ्रूट दूध हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स इस विंटर में यानी इस सर्दियों में आप ये दूध घर पर ज़रूर बनाइए और बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि कैसा बना और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, हैप्पी विंटर।